हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, हम सब ने अपने बचपन में दादा दादी और नाना नानी से जिनों, परियों और जादू की कहानियां सुनी है, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया और साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर और डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई, उसी टाइम पर साइंस फिक्शन ये एक नए स्टोरी का कंसेप्ट जनरेट होना शुरू हुआ, और उसी के साथ साथ कॉमिक बुक्स और बाद में मूवीज के जरिए सुपर हीरोज का कंसेप्ट जनरेट हुआ, जिनकी कहानियां साइंस फिक्शन के ऊपर डिपेंड करती थी। और इसी तरह से सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन, इस तरह के नाम पूरे दुनिया भर में फेमस हो गए, और इनकी कहानियां आज भी लाइव एक्शन मूवीज के जरिए पूरे दुनिया भर में डोमिनेट करती हैं। मगर दोस्तों, इन सभी सुपर हीरोज के बीच स्पाइडरमैन की कहानी, इससे ऑडियंस बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है और ऑडियंस को ये सुपर हीरो बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। यहाँ तक कि इंडिया में हम सब 90s किड्स ये स्पाइडरमैन की मूवीज और टीवी शोज देखकर बड़े हुए हैं। तो दोस्तों, क्या रीजन है कि स्पाइडरमैन की स्टोरी दुनिया भर में इतनी पॉपुलर है, और इसके पीछे क्या वो मोटिवेशन है जो हम सबको इस स्टोरी से इतना कनेक्ट करती है, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। मगर दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये बात क्लियर कर दूं, ये वीडियो किसी भी तरह से प्रमोशनल या रिकमेंड करने वाला नहीं है, बल्कि आप में से जिन लोगों ने इन स्टोरीज को ऑलरेडी देख और सुन रखा है, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और आपने इन स्टोरीज को नहीं सुना तो आप ये वीडियो डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। मगर उससे पहले, अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियोस का यहाँ पर आप मजा ले सके। तो बिना देरी के चलिए गाइस, शुरू करते हैं। These are the years when a man changes into the man he's going to become the rest of his life. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Go! Come on, Spider-Man. Come on, Spider-Man. I believe there's a hero in all of us. I'm trying to save you! That keeps us honest, gives us strength, makes us noble. दोस्तों, स्पाइडरमैन की कहानी शुरू होती है हाई स्कूल में पढ़ रहे एक लड़के पीटर पार्कर से। अब यहीं पर आप समझ सकते हो कि स्पाइडरमैन की कहानी ये किसी दूसरे प्लेनेट से आए एक इंसान जिसके पास अलग अलग पावर है, यानी कि सुपरमैन, या जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, यानी कि बैटमैन या आयरन मैन, इस तरह के कैरेक्टर के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि एक आम लड़का जिसके अपने आम प्रॉब्लम्स है, जैसे कि उसको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, उसको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसको एक जॉब करना है ताकि वो अपने बिल पे कर सके, और इसी तरह की एक आम जिंदगी वो जी रहा होता है, जिसके बीच एक हादसे के जरिए उसे स्पाइडर के कुछ पावर्स मिल जाते हैं। मगर दोस्तों, ये पावर्स मिलने के बावजूद भी उसकी जिंदगी उन प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलती। इसलिए दुनिया का कोई भी इंसान जो इस तरह की एक अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, अपने डेली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है, वो हर कोई अपने आप को इस सुपर हीरो से कनेक्ट कर सकता है। वही दूसरी तरफ उसके अंकल, जो एक्चुअली उसके पेरेंट का किरदार निभा रहे होते हैं, वो उसे समझा रहे होते हैं कि इंसान के पास जब ज्यादा पावर आती है, इसका मतलब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही बढ़ चुके हैं। और यही स्पाइडरमैन का आइकॉनिक डायलॉग है, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिमेंबर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर फिल्म के शुरुआत में पीटर यानी कि स्पाइडरमैन इस बात को ठीक से समझ नहीं पाता, और वो अपने पावर्स सबसे पहले एक सेल्फिश वे में यानी अपने लिए इस्तेमाल करता है, और उस टाइम पे उससे एक गलती हो जाती है। एक चोर उसके सामने से भाग रहा होता है, और वो चाहता तो आसानी से उस चोर को पकड़ लेता, मगर वो उसे जाने देता है, और बाद में वही चोर उसके अंकल की कार छीनने के लिए उन्हें गोली मार देता है। यानी कि अगर स्पाइडरमैन ने वहां अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद उसके अंकल जिंदा रहते, और ये एक हादसा उसके जिंदगी का वो मोटिवेशन बन जाता है, और तभी वो डिसाइड करता है कि यहां से आगे अपने पावर्स को वो सिर्फ लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा, और इस तरह से पीटर पार्कर ये स्पाइडरमैन बन जाता है। मगर दूसरों के खातिर लड़ना, एक सेल्फलेसनेस नेचर एक्वायर करना, ये उसके अपने लाइफ में कुछ खास बदलाव नहीं लाता। यहाँ तक कि जब वो स्पाइडरमैन बनके चोरों को पकड़ रहा होता है, उस टाइम पे वो अपना होमवर्क नहीं कर पाता, उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, कुछ बच्चों को बचाने के लिए वो अपनी जॉब ठीक से नहीं कर पाता, और उसको उसके जॉब से निकाल दिया जाता है। यानी हीरो बनने के बावजूद भी उसके अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स कम नहीं होते, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसको कई सारी चीजें सैक्रिफाइस करना पड़ती है ताकि वो स्पाइडरमैन बना रह सके। मगर दोस्तों, इन सब चीजों के बावजूद भी वो लोगों के काम आना, लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता,
और मूवीज में हम कई ऐसे लम्हे देखते हैं, कई ऐसे लम्हों से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं जहां पर ये बात हमें बखूबी समझ में आती है कि एक हीरो बनने के बाद भी आपके स्ट्रगल्स कम नहीं होते, मगर अपने से पहले अपनों की परवाह करना ये वो एक क्वालिटी है जो किसी भी आम इंसान को एक सुपर हीरो बनाती है। और स्पाइडरमैन के क्रिएटर स्टैनली ने भी एक इंटरव्यू में इस बात को बखूबी कहा था। मास्क, यू कुड बी एनी किड, you could be black, you could be Asian, you right. could be Indian, you right. could be anything, and imagine you were in that costume. Right. So I think that made it relevant to everybody everywhere, right. and that was accidental. वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन के विलन्स की हम बात करें तो इनके अंदर भी कई सारे हादसे अलग अलग पावर्स जनरेट करके देते हैं, मगर स्पाइडरमैन की तरह वो लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने सेल्फिश बिहेवियर के लिए उन पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी इंसान के अंदर जब पावर आती है तो इंसान के किस तरह के दो पहलू होते हैं ये हमें बखूबी इन मूवीज के थ्रू नजर आता है। और यही एक चीज है जो स्पाइडरमैन को अदर मूवीज से अलग करती है कि एक आम इंसान अगर अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, अपनों से पहले अपनों की परवाह करता है, यही एक वजह है कि दूसरे कई पावरफुल सुपर हीरो से स्पाइडरमैन की कहानी ये फिक्शनल होने के बावजूद भी लोग इससे बहुत हद तक कनेक्ट करते हैं, अपने आप को इस तरह के एक हीरो में इमेजिन करते हैं और इससे ढेर सारा मोटिवेशन अचीव करते हैं। दोस्तों, हम सबके लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आते ही रहेंगे, मगर उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से फेस करते हैं, हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं, उसको निगेटिवली लेते हैं, उनको टैकल करके हम दुनिया के कितने काम आते हैं, नॉलेज का, अपने स्किल्स का हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इन सभी बातों को इस कैरेक्टर के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। और ओवरऑल सबसे बड़ी मोटिवेशन इसके अंदर यही है कि जब हम अपने से पहले अपनों की परवाह करते हैं तो ये एक क्वालिटी हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन सुपर हीरो बनाती है। इस तरह से स्पाइडरमैन का कैरेक्टर फिक्शनल होने के बावजूद भी अपने आप में एक बेहतरीन मोटिवेशन देकर जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरह से सैयद, थैंक यू सो मच।